तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला पर्व है दीपावली। भारतीय संस्कृति की विराट छवि अगर विविधतापूर्ण गहराई से सुसज्जित है तो उसका कारण है त्योहार, पर्व और उत्सव की दीर्घ परंपराएं। त्योहारों की विस्तृत श्रृंखला में सबसे बड़ी और लोकप्रिय कड़ी है दीपावली। जगमगाते घर आंगन के 5 दिवसीय इस उत्सव के प्रत्येक दिन का अपना विशिष्ट महत्व है। शीत की प्रधानता वाली छमाही में तेजोमय देव बल को संचित करने और यमराज की मारक शक्ति से उत्पन्न रोगों का प्रतिरोध करने के लिए कार्तिक मास की मध्य तिथि, अमावस्या और उसके आगे पीछे की 2-2 तिथियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिनके पूजा विधान क्रमशः आरोग्य, समृद्धि, पर्यावरण और स्नेह भाव की वृद्धि के द्योतक हैं। ये तिथियां हैं धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया। आयुर्वेद के जनक तथा क्षीर सागर मंथन से अमृत कलश के साथ उद्भूत भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ जो आरोग्य कामना का क्रम प्रारंभ होता है, उसका प्रतिफलन चतुर्दशी को विशिष्ट मंगल स्नान के साथ किया जाता है। अभ्यंग के साथ देह की शुद्धि और रूप श्रृंगार किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय और जन जन के मन में उल्लास भरने वाले दीपावली पर्व के संबंध में लोक विश्वास प्रचलित है कि सूर्यवंशी श्री राम रावण वध के बाद इसी अमावस्या को अयोध्या लौटे थे और उनके अभिनंदन में अयोध्या वासियों ने दीपावली सजाई थी। अलक्ष्मी से मुक्ति की आकांक्षा के साथ लक्ष्मी पूजन और प्रदोष वेला में सर्वत्र दीपों की माला से आलोक बिखेरने वाला ये त्योहार दरिद्रता और मलिनता के अंधकार को मिटाकर समृद्धि का उजियारा फैलाता है और हर्षयुक्त वातावरण में उल्लास भर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने एक नया विचार दिया कि गोपालकों के लिए साक्षात देवता गोवर्धन पर्वत है, वही वृष्टि और सुभिक्ष का जनक है। इसीलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई। पद्म पुराण की एक कथा यम द्वितीया के महत्व को प्रतिपादित करती है, जिसके अनुसार बहन के स्नेह की मिठास और भाई के विशेष दुलार का संगम भाई दूज या यम द्वितीया नामक पर्व पर पारिवारिक सौहार्द में वृद्धि करता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक चलने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को मनाने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य निरोगी और दीर्घायु हो, ज्ञानवान बने, पुरुषार्थ से धन अर्जन कर इहलोक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।